हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल मुफ्त शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, आपके फैमिली भी सब लोग ठीक होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के चेंज होते टाइम आप थोड़े अपने खान पान में ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए, क्योंकि मौसम के चेंज होने पर हमारे खान पान से बहुत इफेक्टिव इम्पेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर। तो अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करते रहिए और टाइम टू टाइम स्टडी करते रहिए, क्योंकि पहले भी जैसा मैंने आपको बताया है, अक्टूबर मंथ आ चुका है, स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर में आपका फेस्टिवल दशहरा, नवंबर में फिर दिवाली, देन इन सब फेस्टिवल में आपका टाइम बहुत सारा यूज़ हो जाएगा और आपको स्टडी के लिए टाइम कम मिलेगा, क्योंकि घर में फेस्टिवल्स की तैयारी होंगी, आप उसमें एंगेज रहेंगे, आप पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए यही मौका है अक्टूबर मंथ में, जितना टाइम आप यूज़ कर सकते हैं आपके स्टडी में करिए, ताकि आगे आप अच्छे से फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा इंडेक्स नंबर की थ्योरी को, जिसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को पढ़ा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हम उसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स के अंदर हमने सिंपल इंडेक्स नंबर के दो मेथड को कैलकुलेट करना सीखा था, एग्जांपल्स को कैलकुलेट किया था, और मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। आई होप आप सब लोगों ने किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आपकी क्वेरी आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का नया टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था सिंपल इंडेक्स नंबर, उसके दोनों मेथड पढ़ लिए थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आज हम पढ़ने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है इसके खुद की तीन सब कैटेगरीज होती हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस मेथड को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ एक क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने वाले फ्रेंड्स? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसकी तीन सब कैटेगरी होती है। पहली है लास्ट पियर्स मेथड, लास्ट पेयर नाम है, लास्ट पेयर जो है नेम है ये। फिर हम पढ़ेंगे पास्चेस मेथड, ये भी एक नेम है, ये नेम वो नेम है जिन लोगों ने ये मेथड का फॉर्मूला क्रिएट किया है। लास्ट पेयर ने फॉर्मूला दिया हमें क्या, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का, इसलिए हम उनके नाम से ही फॉर्मूला बनाया है लास्ट पेयर मेथड। ऐसी पास्चेस ने हमें फॉर्मूला दिया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का, इसलिए उनके नेम से ही फॉर्मूला बनाया। और फिर लास्ट में फिशर्स मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे दो मेथड, फर्स्ट लास्ट पियर्स मेथड और दूसरा आपका पास्चेज मेथड। दोनों मेथड का फॉर्मूला समझेंगे पहले हम, उसके बाद उसके साथ एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, एक एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप ना करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फुल मार्क्स गेन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, जो है लास्ट पियर्स मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पियर्स मेथड। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, पी नॉट वन क्या होता है हमारा इंडेक्स नंबर, क्या होता है इंडेक्स नंबर। लास्ट पियर्स मेथड का इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी वन मल्टीप्लाई में क्यू नॉट। अब ये पी वन क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, पी वन जो हमारा क्या है, करंट ईयर का प्राइस है। क्या है फ्रेंड्स? करंट ईयर का प्राइस। और P0 भी हमने पढ़ा था, P0 क्या है फ्रेंड्स हमारा, बेस ईयर का
ग्लेशियर राइज। अब इसमें आपको जो नई चीज देखने को मिल रही है फ्रेंड्स वो क्या मिल रही है, क्यू जीरो, क्योंकि पी वन और पी नॉट से आप फेमिलियर हैं, आपने पहले भी वर्ड सुने हुए हैं, तो जो ये आपका क्यू जीरो है और जो आपका क्यू जीरो है, जीरो जहां वर्ड आएगा इसका मतलब ये जीरो या जिसको हम नॉट स्पेल करते हैं, अगर आता है इसका मतलब ये जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, बेस ईयर। बट जब पी था तो प्राइस से रिलेटेड था, बट यहां पे क्यू है तो ये किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटी। किससे रिलेटेड होगा फ्रेंड, क्वांटिटी से। तो ये बेस ईयर क्वांटिटी है और ये दोनों करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। तो हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों के साथ इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, उससे हमें क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है किससे रिलेटेड, कैलकुलेटिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बाय लास्ट पीयर्स मेथड। किस मेथड से करना है हमें कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है लास्ट पीयर्स मेथड से। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में कमोडिटी गिवन है, कमोडिटी ए बी सी डी। यहाँ लिखा है ईयर 2017, यहाँ लिखा है 2021, तो 21 फॉरवर्ड ईयर है, तो ये हो गया आपका क्या, करंट ईयर, और ये हो गया आपका बेस ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब करंट ईयर और बेस ईयर के अंदर आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, तो हम इनको क्या रख करेंगे। अब ये क्या है, बेस ईयर, इसका मतलब जीरोस आएंगे इनमें, लेकिन प्राइस है तो पी जीरो और क्वांटिटी है तो क्यू जीरो। ऐसे यहाँ पे फ्रेंड्स करंट ईयर है तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो की जगह वन यूज करेंगे, अगर प्राइस है तो पी वन और क्वांटिटी है तो क्यू वन। बट फॉर्मूले हमें किसकी जरूरत है, फॉर्मूले हमें पी जीरो क्यू जीरो और पी वन की, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने पीछे मेंशन कर दिया था। देखिए पी जीरो ये है, की जीरो ये है, पी नॉट क्यू नॉट, पी वन करंट ईयर का प्राइस, क्यू वन करंट ईयर की क्वांटिटी। अब फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्मूले में जरूरत है प्रोडक्ट ऑफ पी वन क्यू नॉट और प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। तो कैलकुलेट करते हैं, पी वन, पी वन कहाँ है आपका, पी वन आपका ये रहा गिवन, और क्यू नॉट कहाँ है, यहाँ। इनका क्या करना, प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 200, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 128, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 20, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 280। अब हमें किसकी जरूरत है फ्रेंड्स, अब हमें जरूरत है पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट कहाँ है आपका, पी नॉट है आपका यहाँ, और क्यू नॉट ये रहा। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, आ गया आपका आंसर 80, 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, आ गया 64, 3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से 30, 5 को मल्टीप्लाई करना है 28 से 140। अब फॉर्मूले में हमें इसके समेशन की जरूरत है, तो जब हम इन सबका सम करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 628। ऐसे ही हमें P नॉट Q नॉट के सम की जरूरत है, अगर इसका सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 314। तो चलिए अब इन वैल्यूज को क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। वैल्यूज को रिप्लेस करते टाइम बहुत ही ध्यान रखिए, कोई भी वैल्यू गलत रिप्लेस ना हो, अगर वैल्यू गलत रिप्लेस हो गई तो आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है वो सभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 628 क्या है हमारा, समेशन ऑफ P1 Q0, और 314 क्या है हमारा, समेशन ऑफ P0 Q0। ठीक है, चलिए लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स, उसका फॉर्मूला दे रखा है आपका, इंडेक्स नंबर को शो करते हैं P0 1 से, फॉर्मूला आपका ये गिवन है, समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0। तो हमने भी वैल्यू निकाली है, समेशन ऑफ P1 Q0 हमारा कितना आया फ्रेंड्स,
628 आया आपके सामने, और समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट कितना आया फ्रेंड्स 314। इसको क्या करते हैं फॉर्मूले में रिप्लेस। देखिए हमने ऊपर आपका पी वन क्यू नॉट दिया वैल्यू 628 रिप्लेस कर दी, नीचे क्या है समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट कितनी वैल्यू 314 रिप्लेस कर दी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 200। कैसे, अगर हम इसको इससे कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर 2 आएगा, और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमें क्या मिलेगा आंसर 200। कितना आसान क्वेश्चन है और एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बहुत सिंपली और बहुत स्लोली कराया है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही कह सकते हैं 2 या 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे, और आपको क्वेश्चन के पूरे 3 और 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन एटलीस्ट 3 या 4 मार्क्स का आएगा, और इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन और सम अप करना है इनका, और उसको कैलकुलेट कर देना है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, पास्चेज मेथड। पास्चेज मेथड क्या है, ये भी सिमिलर ही है लेस्पियर मेथड की तरह। जिस लेस्पियर मेथड में हमने प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर को फाइंड किया था, इसके अंदर भी हम प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तभी तो इसका नाम अलग से पास्चेज मेथड रखा गया है, वरना इसका नाम भी लेस्पियर मेथड ही होता। तो इस मेथड में क्या है डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने लेस्पियर मेथड में देखा था कि P1 का प्रोडक्ट किया जा रहा था Q0 से, बट यहाँ पे किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, P1 का प्रोडक्ट हो रहा है Q1 से। और सेम नीचे वहां पे हमने देखा था कि P0 का प्रोडक्ट हो रहा था Q0 से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है P0 का प्रोडक्ट हो रहा है Q1 से। यानी कि वहां पे जो प्रोडक्ट हो रहे थे वो Q0 यानी क्वांटिटी जो बेस ईयर की उसके साथ हो रहे थे, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो क्वांटिटी करंट ईयर की उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेस्पियर मेथड में हमारा फोकस बेस ईयर की क्वांटिटी पे था, और पास्चेज मेथड में हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए करंट ईयर की क्वांटिटी पे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें फॉर्मूला बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कैलकुलेटिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बाय पास्चेज मेथड। पास्चेज मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स। और जो पास्चेज मेथड है किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। पास्चेज मेथड भी लिखा सकता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा सकता है कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट करिए। तो आप वहां पे पास्चेज मेथड, लेस्पियर मेथड या फिशर मेथड कोई भी मेथड लगा सकते हैं, अगर वहां पे उसकी सब कैटेगरी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली खुद बोल देता है कि आपको पास्चेज मेथड से ही कैलकुलेट करना है, तो आप वहां पर अगर कोई और मेथड लगाते हैं तो आप वहां पे मार्क्स लूज कर देंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स उसी चीज के बारे में जवाब दे, या उसी चीज के बारे में आंसर लिखें। अगर आप आसपास की कोई चीजें लिखते हैं तो आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप मार्क्स गेन करने की जगह मार्क्स लूज कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है कमोडिटी, कमोडिटी ए बी सी, 3 कमोडिटी गिवन है, जिसमें हमें ईयर गिवन है 2009 और 2020। जैसा कि क्लियरली दिख रहा है ये पास्ट ईयर है और ये इसका फॉरवर्ड ईयर है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका करंट ईयर, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स आपका बेस ईयर। अब करंट ईयर बेस ईयर है तो हम इसके जो प्राइसेस हैं उनको सिंपलाइज कर लेते हैं। जो भी बेस ईयर में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉट होते हैं। यानी कि अगर प्राइस गिवन है तो इसका मतलब प्राइस क्या होगा पी नॉट, और अगर क्वांटिटी गिवन है तो ये क्वांटिटी क्या होगी फ्रेंड्स आपकी क्यू नॉट। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, और यहाँ पे करंट ईयर में जो प्राइस गिवन है उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स P1, और जो क्वांटिटी गिवन है उसे हम क्या बोलेंगे Q1। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर लिया था, आपको क्लियरली पता लग गया है कि कहाँ पर 0 यूज करना है और कहाँ पर 1 यूज करना है। जो बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें वेरिएबल्स के साथ 0 यूज करना है, और जो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हमें फ्रेंड्स वेरिएबल्स के साथ 1 यूज करना है। ये सिंबल ही है जो हमें
ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये बेस ईयर से रिलेटेड डेटा है और ये करंट ईयर से रिलेटेड, जहां जीरो होगा वो बेस ईयर का डेटा है और जहां पे वन होगा वो करंट ईयर का डेटा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेटिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बाय पास्टेज मेथड, क्वेश्चन के अंदर हमने पीछे मेंशन कर दिया था पी जीरो पी नॉट क्यू नॉट और पी वन और क्यू वन। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस चीज की जरूरत है फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरूरत है प्रोडक्ट ऑफ P1 मल्टीप्लाई में Q1 और जरूरत है P0 प्रोडक्ट किसके साथ Q1। यहाँ पे फोकस देख रहे हो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर फोकस फ्रेंड्स किसके ऊपर है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्योंकि प्राइस ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर तो पिछले लेस्पेस के फॉर्मूले में भी था और आगे फिशर्स के फॉर्मूले में भी होगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि लास्ट ईयर के मेथड में हमने बेस ईयर की क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया था और पास्ट ईयर के मेथड में हमने किस पे फोकस किया है, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें चाहिए पहले P1 Q1, आपका P1 कहाँ है फ्रेंड्स ये रहा और Q1 कहाँ है ये रहा, इसका प्रोडक्ट करना है तो कर लेते हैं। 5 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा 110, अगर हम 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा फ्रेंड 48, अगर हम 0.2 को 80 से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा 16। ऐसे नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें जरूरत है P0 Q1 यानी P0, P0 कहाँ फ्रेंड्स ये रहा और उसके बाद Q1 ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है इससे। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स 44, फिर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स 30, और फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, किसके साथ 80 के साथ, तो कितना आएगा हमारा आंसर 8 से 24 और 0 248। कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप इस वाले कॉलम की कैलकुलेशन इस वाले कॉलम से कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते करते आपका ध्यान हट गया और आप इस कॉलम से इस कॉलम पर आ गए तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, जो आंसर भी निकल के आएगा वो भी गलत होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, इधर उधर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप इधर उधर ध्यान गया तो आपकी सारी मेहनत और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, समेशन ऑफ P1 Q1, उसका सम निकल के आया फ्रेंड्स 174, और यहाँ पे हमें समेशन की जरूरत है किसकी, P0 Q1 की, जिसका आंसर निकल गया फ्रेंड्स 314। चलिए अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रिप्लेस कर, फॉर्मूला है आपका पास्ट चेंज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, इसको ये किसका सिंबल है, ये है इंडेक्स नंबर। मैं आपको बार बार रिमेंबर करा रहा हूँ कि P01 किसका सिंबल है, इंडेक्स नंबर का। अगर एमसीक्यू में आता है आपका, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंबल ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो बना देगा ऐसे P10, P01, P11, P00, तो आपको वहां पहचानना होगा राइट, राइट कौन सा है, P01, ये आपका इंडेक्स नंबर है, ये सारे इंडेक्स नंबर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फॉर्मूले में हमें क्या रिप्लेस करना है, समेशन ऑफ P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1, और रिप्लेस करना है समेशन ऑफ P0 Q1, इसके हमने आंसर निकाले थे अभी क्या आए थे, देखिए एक का आया हमारा 174 और एक का आया 314, इसका निकल गया हमारा 174 और ऐसे निकल गया 300, कितना था फ्रेंड्स 314। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P1 Q1 को ऊपर रखना है वैल्यू को, रख दिया हमने, और नीचे वैल्यू रखनी है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P0 Q1, ये रख दिया वैल्यू। जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर निकल के आएगा 55.41। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको सिंगल डिजिट में काउंट किया जाता है, उनको डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में काउंट नहीं किया जाता है, इसको हम 41 नहीं कर सकते स्पेल, हम इसको स्पेल करेंगे 0.41। अगर पॉइंट के बाद
10 डिजिट भी लिखी है फ्रेंड्स, तब भी आपको उसको सिंगल डिजिट में ही काउंट करना है, क्योंकि इट इज द राइट वे ऑफ स्पेल डेसिमल नंबर। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? एक बार देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। आज हमने पढ़ा आपका वेटेड इंडेक्स नंबर में से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसके तीन मेथड होते हैं, लास्ट ईयर्स मेथड, पास्ट ईयर मेथड और फिशर्स मेथड, जिसमें से आज हमने कर लिया आपका लास्ट ईयर मेथड और पास्ट ईयर मेथड। ये वाला जो मेथड है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में जो दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, जिनके क्वेश्चन किए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, या लास्ट वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आई एम अगेन रिपीटिंग, यू कैन रीच टू आर वेबसाइट www.muft.shiksha। वहाँ पर आप आस्क मी माई कॉलम के अंदर जाकर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन को वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेरी हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और आपकी अदर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है या डिमांड है, आप वो भी वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर 100+ सब्जेक्ट्स की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। हमारी एक मुहिम है कि कोई भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, ऐसा ना हो कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इसलिए वह पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ने का अधिकार सबको है, पढ़कर कुछ बनना आपके खुद के हाथों में है। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सक्सेस की जो की है वो सिर्फ हार्डवर्क ही है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो हार्डवर्क करते रहें, एक ही फील्ड में हार्डवर्क करें, चार जगह पैर ना फैलाएं। चार जगह पैर फैलाने से आप खुद कंफ्यूज होते हैं, एक फील्ड पकड़ें, उसमें मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप अपना कंपैरिजन अदर लोगों से करना छोड़ दीजिए, हर किसी की खुद की लाइफ का ओन पाथ है। आप किसी और को अगर आप देख रहे हैं कि उसको 20 की एज में सक्सेस मिल गई, उसको 22 की एज में सक्सेस मिल गई और आप 24 के हैं, 25 के, और आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, तो आप अपनी बारी का वेट करें। हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, हर किसी की लाइफ में एक टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ दूसरे से कंपेयर करके जीना शुरू करते हैं तो ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप किसी और की लाइफ जी रहे हैं। आपको भगवान ने लाइफ दी है, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, एक डायरेक्शन में मेहनत करिए। भगवान ने सबके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, भरोसा रखिए, भरोसे से डगमगाइए मत, मेहनत से चूकिए मत। अगर आप मेहनत से चूकेंगे तो हो सकता है कि अगले ही पल आपके लिए सक्सेस लिखी हो, लेकिन आपने उस अगले पल से पहले ही गिव अप कर दिया। मेहनत करते रहिए, लाइफ में कुछ ना सही एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। और ध्यान रखिए, सक्सेस के पीछे भागिए अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनिए। लाइफ में सक्सेस मिलना ही सब कुछ नहीं होता अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, तब सक्सेस आपके पीछे खुद आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर, दोस्त, भाई रिंकू शाक्या, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ, खुशियाँ फैलाते रहिए।